नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह के बीच की आपसी खींचतान से एक ओर जहां प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, वहीं दूसरी ओर विरोधियों को भी बयानबाजी करने का मौका मिल गया है। बीजेपी के ही एक नेता और विश्वेंद्र सिंह के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे दिवंगत नेता दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह ने अनिरुद्ध को सलाह दी है। अनिरुद्ध सिंह ने जब अपने पिता को लेकर एक ट्वीट किया, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें सलाह देने वालों की जैसे बाढ़ आ गई। यहां तक कि उनके अपने समर्थकों ने भी घर की बात घर में ही रखने की सलाह दी। हालांकि कुछ घंटों बाद ही अनिरुद्ध सिंह ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया। कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने सचिन पायलट की समझाइश पर किया। उधर विश्वेंद्र सिंह के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे शैलेश सिंह ने अपने ही पिता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अनिरुद्ध सिंह को सलाह दी है कि उन्होंने ट्वीट में जो कुछ भी लिखा है वो न सिर्फ गलत है बल्कि अमर्यादित और अपरिपक्वता की पराकाष्ठा भी है। शैलेश सिंह ने मामले पर ट्वीट कर कहा कि भरतपुर के राज परिवार में जो कुछ भी चल रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वेंद्र सिंह मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन महाराजा सूरजमल के वंशज होने के नाते उनके प्रति बहुत सम्मान। पिता सिर्फ जन्मदाता नहीं होते बल्कि उनसे पुत्र को आचार विचार और संस्कार प्राप्त होते हैं। अनिरुद्ध द्वारा विश्वेंद्र सिंह के बारे में जो कुछ लिखा गया उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। यह न सिर्फ गलत है बल्कि अमर्यादित और अपरिपक्वता की पराकाष्ठा है। परिवार में विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पिता कभी अपने बच्चों का बुरा सोच और बुरा कर नहीं सकता। साथ ही ये सलाह भी दी कि अनिरुद्ध को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो परिवार में द्वेष फैलाकर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अनिरुद्ध सिंह ने जो अपने पिता के खिलाफ ट्वीट्स किए हैं उससे उनके खुद के समर्थकों में ही रोष पैदा हो गया है। वहीं कहा जा रहा है कि अपने पिता के सहारे अनिरुद्ध ने जो साख हासिल की थी उससे भी वो हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट के समर्थन के बारे में उन्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब तो उनके खुद के विधायक ही उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में अनिरुद्ध को कुछ हासिल नहीं होने वाला है।